हरिओम, चिंता मत करो तुम। तिवारी जी, हमसे वादा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान को चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, लेकिन आप इस बच्चे को दुनिया में आने से नहीं रोकेंगे। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। माँ, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, इतना मत सोचिए। हाँ, बस आपकी नन्हे बच्ची वाले ने जल्दी आने का फैसला कर लिया, और कुछ नहीं। खतरे में रेणुका, टेंशन में मुकुंद और नव्या। ए बंसी वाले, सब ठीक करना। जी टीवी के सीरियल हमारी वाली गुड न्यूज में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जिसका रेणुका को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आज रेणुका बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन वो ये भी जानती है कि उसकी जान को खतरा है। फिर भी उसकी परवाह ना करते हुए उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया है। चिंता मत करो तुम। तिवारी जी, हमसे वादा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान को चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, लेकिन आप इस बच्चे को दुनिया में आने से नहीं रोकेंगे। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। माँ, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, इतना मत सोचिए। हाँ, बस आपकी नन्हे बच्ची वाले ने जल्दी आने का फैसला कर लिया, और कुछ नहीं। रेणुका को दिए हुए वादे से भला मुकुंद कैसे मुकर सकते थे। वे बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन रेणुका जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। डॉक्टर, गुड न्यूज है मिस्टर तिवारी, बेटा हुआ है आपका। लेकिन लेकिन रेणुका कैसी है? रेणुका की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई है। बेबी को तो हमने इंक्यूबेटर में रखा है, बट मिसेस तिवारी को अब तक होश नहीं आया है। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करने वाले हैं। केस तो पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड था ही, डिलीवरी के चलते काफ़ी सारा ब्लड लॉस भी हो गया है। जब तक उन्हें होश नहीं आता तब तक मैं आपको कुछ कह नहीं सकती। डॉक्टर की बातें सुन मुकुंद और नव्या दोनों बेहद परेशान हैं। संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा, माँ को वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, बंसी वाले हैं हमारे साथ। एक तरफ मुकुंद रेणुका के साथ बिताए लम्हों को याद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नव्या भी हाथ जोड़कर भगवान के आगे अपनी सासु माँ की जिंदगी की भीख मांग रही है। हम तुम्हारी गोद में बच्चा डाल सकते हैं, तुम्हारी गोद भर सकते हैं। जिसे बच्चा जनना चाहिए वो जन नहीं सकती, और जिसे नहीं जनना चाहिए वो अपने पाव भारी करके पूरे गली मोहल्ले में घूम रही है। जो साथ ही उन पलों को भी याद कर रही है जो उसने अपनी सासू माँ के साथ बिताए थे। ईश्वर और अग्नि को साक्षी मानकर आज ये संकल्प लेते हैं कि हम हमारे आने वाले बच्चे को नव्या तिवारी और आदित्य तिवारी को सौंप देंगे। क्या रेणुका मुकुंद और नव्या का साथ छोड़कर चली जाएगी, या फिर नव्या की दुआ रंग लाएगी? यही है आगे की कहानी। आज तक ब्यूरो। हमारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, आगे खोलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ऐसे मत करो।